नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। देश के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बठिंडा में पंजाब के मुख्यमंत्री ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। 400 और आम आदमी क्लिनिक लोकार्पण करने की कही बात। जालंधर के गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम में गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समागम का किया गया आयोजन। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। प्रताप बाग वेलफेयर सोसाइटी की ओर से देश का 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। और अब हलचल विस्तार से। बठिंडा में देश के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान की ओर से राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की रस्म अदा की गई। इस दौरान पुलिस की टुकड़ियों, एनसीसी कैडेटों, महिला पुलिस कर्मचारियों की टुकड़ियों एवं स्कूली बच्चों की ओर से मार्च पास्ट कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मार्च पास्ट का दौरा भी किया, तो वहीं इस दौरान सुंदर झांकियां भी पेश की गई। इस अवसर पर अलग अलग स्कूलों के बच्चों की ओर से रंगारंग कार्यक्रम व पीटी शो भी पेश किया गया। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई भी दी, तो वहीं उन्होंने कहा कि जल्द ही 400 आम आदमी क्लिनिक लोकार्पण किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही कच्चे मुलाजिमों को पक्का भी किया जाएगा। तो वहीं पंजाबी नौजवानों द्वारा आईलेट्स कर विदेश जाने पर उन्होंने दुख प्रकट भी किया। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों सहित राजनीतिक पार्टी के नेताओं के साथ अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। एक मैं हुण थोड़े नाल एक दुख की गल सांझी करन लग्गिया। वो पंजाब जिन्हें देश आजाद कराया, वो पंजाब जिहड़ा आजादी नूं कायम रखण लई अज सीना तां नहीं खड़ा, अज नैशनल परेड जिहड़ी हो रही है दिल्ली दे विच, उहदे च पंजाब की झाकी है नहीं। पंजाब की झाकी विचों कटती क्यों बई? पंजाब की झाकी क्यों कटती? आजादी नाल संबंधित कोई फंक्शन होवे उच पंजाब ना होवे, ये किवें हो सकता? ए माड़ी नीयत का नतीजा, माड़ी सोच का नतीजा। ऐदां पंजाब नूं तुसीं मनफी कर दोगे कि पंजाब की झाकी है नहीं? पंजाब कोल तां घर घर पिंड पिंड विरसा पिया। मैं तो कहना पंजाब दे एक एक पिंड की झाकी होनी चाहिए है। इन्होंने पंजाब की पूरे स्टेट की झाकी बंद करती। पंजाब पुलिस दे विच हर साल पंजाब पुलिस दे विच 2200 दे करीब मुलाजम भर्ती किए जाएंगे हर साल। 1800 कांस्टेबल, 400 हैड कांस्टेबल, सब इंस्पैक्टर। जनवरी च नोटिफिकेशन जारी हो, मई जून च पेपर हो लिखती, अगस्त च रिजल्ट आऊ, अक्तूबर च फिजिकल टेस्ट हो, नवंबर च रिजल्ट आऊ, दसंबर दे विच तुसी नियुक्ति पत्र लैके पंजाब पुलिस दे विच सेवा कर रहे होंगे। कोई सिफारिश नहीं, कोई पैसा नहीं चलूगा। जिहड़ा आ गया मैरिट दे विचों मैरिट च आ गया, बस ये साडियां आने वालियां स्कीमां ने। देश भर में 74वां गणतंत्र दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। जालंधर के गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम में भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समागम का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने मुख्य मेहमान के तौर पर शामिल होकर राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की रस्म अदा की। उन्होंने देश की आजादी में योगदान देने वाले महान योद्धाओं को नमन करते हुए तिरंगा झंडा फहराया। वहीं पुलिस जवानों की टुकड़ियों, महिला पुलिस कर्मचारियों की टुकड़ियों, एनसीसी कैडेट्स और पुलिस वैन की पार्टियों ने मार्च पास्ट कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस दौरान गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित की ओर से परेड को सलामी भी दी गई। इस मौके पर अलग अलग स्कूलों के बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किया गया। इस मौके पर प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों सहित शहर के विधायक, राजनीतिक नेता और गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए जतिन राजपूत की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस हम सभी
के लिए अपने राष्ट्र और अपनी संप्रभुता का जश्न मनाने और सम्मान करने का है। यह उन लाखों स्वतंत्र सेनानियों के भारी प्रयासों और प्रजाओं को कृतज्ञता के साथ याद रखने का है, जिनके खून और पसीने ने हमें आजादी दिलाई और हमारे गणतंत्र का निर्माण किया। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लाखों भारतवासियों ने भारत को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन सभी को मैं नमन करता हूँ। पहला तो आज मैं 74वें रिपब्लिक डे ते सारिआं नूं अपने पंजाब सूबे दे वसनीकां नूं और भारत विच और जिथे भी साडे भारत दे वसनीक वर्ल्डवाइड बैठे ने उहनां नूं बहुत बहुत मुबारक दिंदा, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन इस दिन ते होई सी सन 1950 दे विच। ते अज मैं परमात्मा दा बड़ा शुक्रगुजार हाँ भी स्टेट फंक्शन जिहड़ा डिस्ट्रिक्ट जलंधर विच गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम विच अज 74th रिपब्लिक डे ते स्टेट गवर्नमेंट वालों कीता गया है, उस दौरान पंजाब दे माननीय गवर्नर ऑनरेबल गवर्नर ऑफ पंजाब ने मेरे कीते गए स्टेट लई जो कि कम लिटरेरी वर्क्स, उस तो अलावा जिहड़ी नेचर पंजाब सूबे दी प्रोजेक्शन हैरीटेज साइट्स नूं मैं तकरीबन पिछले 1.5-2 साल दे विच कीता है, उस दे नूं सम्मानित अज 74th रिपब्लिक डे स्टेट फंक्शन ते ऑनरेबल गवर्नर साहब ने एक मैडल दा सम्मानित और नाल एक सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर दिता हैगा, जिस ते मैं स्टेट अथॉरिटीज़ दा ते ऑनरेबल गवर्नर पंजाब दा बहुत ऋणी हाँ भी उन्होंने मेरे कम्मां दी एक्नोलेजमेंट अज 74th रिपब्लिक डे दे स्टेट फंक्शन ते जलंधर विच कीती। मैं पूछना चाहवांगी कि जिहड़ी तुहाडी अगली है कोई पेशकश आउण वाली है, क्योंकि हुणे जिहड़ी बसंत रुत्त वाली डॉक्यूमेंट्री सी ओह वी रिलीज़ हो गई, हुण नैक्सट की है? देखो ये जिहड़ा परमात्मा दी कृपा नाल ही कम हुंदा है, क्योंकि मैं बतौर फॉर्मर एडिशनल एडवोकेट जनरल, फॉर्मर चेयरमैन पंजाब इनफोटेक, एज ए नेचर आर्टिस्ट मेरा पैशन हैगा। तो मैं एक गल अज जरूर थोड़े बड़े ही दैनिक सवेरा दे चैनल दे राही सारे ही अपने दोस्तों और पंजाब दे वसनीकों एक गल करना चाहना, जदों अज मैनू अवार्ड मिलिया ऑनरेबल गवर्नर तो साहब तो गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम दे विच, ते मैं कुछ इमोशनल होया, क्योंकि ये ओही स्टेडियम हैगा जदों मैं अपने स्कूल डेज़ दे विच इत्थे APJ पब्लिक स्कूल दे विच पढ़दा सीगा, ते मेरे नाना जी जो कि एक सीनियर पुलिस ऑफिसर रिटायर्ड सन, रिटायरमेंट तो बाद वो मैनू तकरीबन जिहड़ी मेरी एथलैटिक्स दा करियर सीगा वो इसी स्टेडियम गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम तो शुरुआत सी, और मैनू याद है भी पहली जिहड़ी मेरी सिलेक्शन होई सीगी एज ए अथलीट, आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड ऑफ माई क्लास, जलंधर स्कूल च मैं पढ़ता सी और इसी गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम दे विच मैं 100 मीटर्स दे विच 3rd डिस्ट्रिक्ट लैवल ते आया सी। सो मैं उस परम पिता परमात्मा दा प्रभु दा बहुत शुक्रगुजार हाँ भी अज उसी स्टेडियम दे विच मैनू 74वें रिपब्लिक डे ते स्टेट वल्लों ऑनर कीता गया। मैं कहना भी ये जिहड़े सम्मान ने ये एक एक्नोलेजमेंट हुंदी है, इहदे नाल थानू मोटीवेशन मिलती है, थानू ये महसूस हुंदा है भी अगर मैं कुछ चंगे काम कीते ने तो स्टेट अथॉरिटीज़ ने मैनू रिकोगनाइज़ किया, और मैं तो यह कहूँगा भी जिनी साड़ी पंजाब दी यंगर जनरेशन आ प्रोफेशनल्स भी ने, चाहे उन्होंने कोई किसी किस्म की हॉबी हैगी आ, अपनी स्टेट नू अपने सूबे नू हर जिहदे च भी शौक आ, चाहे नेचर दे विच है आपां कहने आ भी कोई भी होर काम दे विच जिहदे नाल असी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन अपनी स्टेट नू अपनी कंट्री नू दे सकीए,
ਇਹ ਇੱਕ ਕਦਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਔਰ ਓਨਰੇਬਲ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ 74th ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ 'ਤੇ 26 January 2023 ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਲੰਧਰ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਐਕਨੋਲਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਹੌਸਲਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। प्रताप बाग वेलफेयर सोसाइटी की ओर से प्रताप बाग जालंधर में देश का 74वां गणतंत्र दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की रस्म दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विच विधायक बाबा हेनरी और पार्षद रीटा शर्मा ने विशेष रूप से उपस्थित होकर अदा की। इस मौके पर पुलिस जवानों की ओर से मार्च पास्ट कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी भी दी गई, तो वहीं नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियां पेश कर देशभक्ति की भावना को उजागर किया गया। इस दौरान निशुल्क चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें माहिर डॉक्टरों ने लोगों की निशुल्क जांच कर उन्हें दवाइयां भी प्रदान की। इस मौके पर सुभाष शर्मा, सोसाइटी के अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता, चेयरमैन पवन तलवाड़, उपाध्यक्ष योगेश कोहली, सचिव गौरव शर्मा, कोषाध्यक्ष सुधीर शारदा, सदस्य वरिंद्र जयरथ, संजय कोछड़, अविनाश सहगल, विनोद शर्मा, जितेंद्र सैनी, राजकुमार, श्यामलाल अरोड़ा, मेहता जी, विजय चौहान, पंडित गुलशन शर्मा, संजय गुप्ता सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन देविंदर की रिपोर्ट। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਕ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ
मैं राजिंदर कुमार गुप्ता प्रेजिडेंट प्रताप बाग वेलफेयर सोसायटी प्रताप बाग तो बोल रहा। मैं हर साल 26 जनवरी का दिहाड़ा मनाता हाँ। इस वे साडे इलाके दे हरमन प्यारे बाबा हैनरी जी पहुँचे हैं अते नाल ही उन्हां दे नाल श्री शीतल वेद जी दैनिक सवेरा दे संपादक ते देवी तला मंदिर वल्लों साडे कोल डाक्टरां दी टीम भी उन्होंने भेजी है जो कि शूगर वगैरह चैक किया उन्होंने ते इत्थे बहुत वधिया लंगर भी लाया गया कॉफी का स्टाल का सब कुछ लाया गया। सारे लोग बड़े खुश हैं। प्रताप बाग च मेरी एक सहर सरकार नूं भी मेरी एक बेनती है भी शहर दे विच कारां दी भरमार हो गई है। इत्थे वड्डी वड्डी पार्किंग बननी चाहिए है कारां दी हर एरिए दे विच वार्ड दे अंदर जां दो वार्डां दी इक पार्किंग बन जावे तां इस नाल शहर दा बहुत सुधार हो सकदा ट्रैफिक दा भी बहुत हो सकदा। मैं पंजाब पुलिस ओपो वालियां दा ते शीतल वेद जी दा बाबा हैनरी जी दा बहुत बहुत धन्नवादी हाँ। जय हिंद जय हिंद। अज प्रताप बाग वेलफेयर सोसायटी वालों 26 जनवरी का जो अज फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया तो मैं समझा कि बहुत ये शलाघा योग कदम है। ये प्रताप बाग वेलफेयर सोसायटी अज का नहीं कई सालों तो 26 जनवरी 15 अगस्त होर भी धार्मिक या समाजिक कई काम कार्यक्रम होंगे टाइम टू टाइम होंगे रहेंगे है। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੜੇ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇਵ ਤਲਾਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿੱਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ 15 ਅਗਸਤ ਮਨਾਈ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵਧੀਆ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਰ ਹੈਨਰੀ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਾਬਾ ਹੈਨਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਨਾਲ ਬਹੂ ਸ਼ੀਤਲ ਜੀ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਆਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਲਵਾਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਮੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦਰਦਨਾਕ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਸੇ ਧੂਰੀ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਫਲਾਈ ਓਵਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਗੁਬਾਰੋਂ ਮੇ ਗੈਸ ਬਣਨੇ ਵਾਲਾ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 3 ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਘਾਇਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਮੇ ਗੁਬਾਰੇ ਵੇਚਣੇ ਵਾਲੇ ਬਾਪ ਔਰ ਉਸਕੇ 9ਵੀਂ ਕਕਸ਼ਾ ਮੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਮੇ ਆਪਣੀ ਦੋਨੋਂ ਟਾਂਗੇ ਗਵਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਉਨਕੇ ਹੱਥੋਂ ਔਰ ਮੂੰਹ ਪਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚੋਟੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ ਲਈ ਗੁਬਾਰੇ ਲੈਣੇ ਆਏ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚੋਟੇ ਲਗੀ ਹੈ। ਵਹੀਂ ਘਾਇਲੋਂ ਕੋ ਸੰਗਰੂਰ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੇ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਹਾਂ ਪਰ ਗੁਬਾਰੇ ਵੇਚਣੇ ਵਾਲੇ ਬਾਪ ਔਰ ਬੇਟੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਕੋ ਗੰਭੀਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਮੇ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਜਸਵੀਰ ਮਾਨ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਚਮਕੌਰਪੁਰੀ ਸਰ ਹਾਦਸਾ ਸਰ ਧੂਰੀ ਵਾਲੇ ਪੁਲ 'ਤੇ ਗੈਸ ਭਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿਲੰਡਰ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਰ। ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿਲੰਡਰ 'ਚ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਰ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਬਾਰੇ ਵਾਲੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਰ 2 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੇ ਗੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਗੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਸਰ। ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੱਥਾਂ ਬਾਹਾਂ 'ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਪਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਬਾਰੇ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਲੰਡਰ ਸੀ ਉਹ ਫਟਿਆਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 3 ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਰੀਜ਼ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਪੈਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲੇ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਗਾ। ਜਿਹੜਾ 3ਜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗਾ
साढ़े वक्ो वक्रे जो स्पैशलिस्ट डॉक्टर ने उन्हें एग्जामिन कर ही नेगे तो जनरल कंडीशन देख के जी है इलाज शुरू कर दिता जाऊगा। सर दो अज डॉक्टर साहब ने एस एम ओ ने बड़े एक्टिवली उन्होंने फटाफट असी इतों रैफर किया फस्ट एड दे के एक दी हजे फस्ट एड की कार्रवाई चल रही है। सिक्योरिटी लैब्स वाले पासे तो नहीं आप इनू देख सकते हैं ये साइड तो बरनला कैंचियाँ से अपना जो गुब्बारियां वाले सिलेंडर वाले खड़े होंगे हैं ਉਹ ਸੀਗੇ ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਪੂਰਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਨੈਚਿੰਗ ਔਰ ਲੂਟਪਾਟ ਕੀ ਬੜ ਰਹੀ ਵਾਰਦਾਤੋਂ ਕੇ ਚਲਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੇ ਲੋਗੋ ਮੇ ਕਾਫੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਨੇ ਕੋ ਮਿਲ ਰਹਾ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਕੇ ਅਵਸਰ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬੇਖੌਫ ਲੁਟੇਰੇ ਲੂਟ ਕੀ ਵਾਰਦਾਤੋਂ ਕੋ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਂ ਜਿਸਕੇ ਚਲਤੇ ਗਤ ਸਾਏ 6:30 ਵਜੇ ਕੇ ਕਰੀਬ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੁਟੇਰੋਂ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਬੈਂਕ ਸੇ ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਆ ਰਹੀ ਲੜਕੀ ਸੇ ਪਰਸ ਛੀਨਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਲੜਕੀ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਉਨ ਦੋਨੋਂ ਕਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਆ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪਰਸ ਲੁਟੇਰੋਂ ਕੋ ਛੀਨਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਜਿਸ ਬੀਚ ਲੁਟੇਰੋਂ ਨੇ ਲੜਕੀ ਪਰ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰੋਂ ਸੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੜਕੀ ਕੇ ਹੱਥ ਕੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕੱਟ ਗਈ। ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕੁਮਹਾਰ ਮੰਡੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਵਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਪੀੜਿਤ ਲੜਕੀ ਕਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕ ਮੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੋ ਵਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਹਾਂ ਲਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੋ ਮੇ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਵਹੀਂ ਘਟਨਾ ਕੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਔਰ ਮਾਮਲੇ ਕੀ ਜਾਂਚ ਮੇ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਭਾਈ ਕੀ ਘਟਨਾ ਕੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਜੀ HDFC ਬੈਂਕ 'ਚ ਲੜਕੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪ ਲਏ ਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੈਪ ਸੀ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਇੱਥੋਂ ਪਰਸ ਖੋਇਆ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਇਆ ਕੁੜੀ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਉਂਗਲਾਂ 3 ਵੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਪਰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੀ ਮਾਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ 3 ਕਾਪੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਗਏ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਇਹਨੂੰ DMC ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਜੀ ਉਂਗਲਾਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਉਹ DMC ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨੁਕਸਾਨ ਜੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੁਣ ਪਰਸ 'ਚ ਪੈਸਾ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20-25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਆਈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਤੇ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਕਿਆ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੋਂ ਪੈਦਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਹੋ ਹੁਣ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਲੁਧਿਆਣੇ पठानकोट के खेल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया जिसमें कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने मुख्य मेहमान के तौर पर शामिल होकर राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की रस्म अदा की। इस कार्यक्रम की शुरुआत में पंजाब पुलिस की टुकड़ियों ने मंच पर मौजूद मुख्य मेहमान को सलामी दी जिसके बाद महिला पुलिस की टुकड़ी NCC कैडिडो स्कूली बच्चों और आर्मी बैंड ने मार्च पास्ट किया। इस मौके पर अलग अलग विभागों द्वारा तैयार की गई झांकियों के माध्यम से समाज को अच्छा संदेश देने का यत्न किया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर कैबिनेट मंत्री कुलदीप धालीवाल ने लोगों को संबोधित किया। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। पठानकोट से हलचल के लिए जतिन शर्मा की रिपोर्ट। आज 74वां गणतंत्र दिवस है। सारे देशवासियों नूं, सारे पंजाब वासियों नूं, सारे पठानकोट वासियों नूं बहुत बहुत वधाइयां। अज दे दिन ही बाबा साहब अंबेडकर वालों जिहड़ा संविधान लिखा गया लागू किया गया और देश पूर्ण तौर पर जिहड़ा अपने देश की होंद बनी। सो मैं वधाइयां दिंदा होया कामना करदा कि साडा देश साडा पंजाब साडा पठानकोट जिहड़ा वह तरक्की करे अगे वधे क्योंकि दुनिया बहुत अगे चल गई है आपां भी अगे जाना। इस करके अज दा दिन जिहड़ा मनाया जांदा वह बड़ा खुशियां दा दिन है। मैं फिर एक बार सब नूं वधाई देना अज दे प्रोग्राम दा सिर्फ इन्ना मकसद सीगा कि आपां अपना नहीं असी बंदी सिखां दी रिहाई दे हक च असी चाहुंदे आ सेंटर सरकार नूं कहा कि उहदियां कानूनी पचीदियां जिहड़ियां वह दूर करके मेरा मनना कि जिस भी बंदे ने क्राइम किया भावें जिड्डा मर्जी वड्डा क्राइम किया जे हिंदुस्तान दी अदालतों वालों दिती हुई सज़ा उस बंदे ने पूरी कर ली है
ਉਹਦੀ ਦਿਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ। खन्ना में पुरानी रंजिश के चलते एक नौजवान ने 3 लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी। यह घटना गांव रामगढ़ की है। इस घटना में एक व्यक्ति गंभीर घायल हो गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए DSP विलियम जैजी ने बताया कि गांव रामगढ़ में उपकरण दीप सिंह अपने पिता सुखविंदर सिंह और चाचा सुरजीत सिंह के साथ जा रहा था कि इस दौरान गांव के ही रहने वाले इंद्रजीत सिंह ने इन्हें जान से मारने की नीयत से इन पर गाड़ी चढ़ा दी, जिस कारण सुखविंदर सिंह के सिर में गंभीर चोटें लगी हैं। इसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो वहीं कार चालक इंद्रजीत सिंह के खिलाफ इरादतन कत्ल का मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसकी गिरफ्तारी होनी बाकी है। रामगढ़ पिंड का मामला हैगा, जिथे जिहड़ा हैगा उपकरण सिंह जिहड़ा कंप्लेनेंट है, उन्हें कंप्लेंट की हैगी है इंद्रजीत के खिलाफ जी भी साढ़े उत्ते ने। असीं 3 जने खड़े सीगे, उपकरण खड़ा सी, सुखविंदर खड़ा सी, सुरजीत खड़ा सी, भी साढ़े तिना दे उत्ते ने लिया के जाण बुझ के गड्डी विच मारी है, मार देने की नीयत नाल, जिहदे ते असीं 307-14 FI No. 14 अंडर सैक्शन 307 IPC दे मामला दर्ज कर लिया, जिहदे विच इहदा सुखविंदर है जिहदे हैड इंजरी आई है सिर दे विच ते होर सट्टां वी लगियां ने, ओह होस्पिटल च दाखल है, IV होस्पिटल च दाखल है। बाकी अगली कार्रवाई असीं तफतीश दौरान करांगे, बंदियां दी अरैसट वाले बाकी है, FIR असीं इमीजिएटली देती है।